बच्चों, हम कक्षा 12वीं में भारत का विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले उसमें देखा था कि भारत के विभाजन के कारण देश में कौन-कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, और वो सारी चीजें जो उस समय जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसका अध्ययन हम कर रहे हैं कि परिस्थितियां उस समय कैसी थी और लोग कैसा अनुभव कर रहे थे। तो विभाजन का एक मुख्य कारण जो था, जैसे आप देख रहे हैं कि विभाजन का एक संभावित विकल्प था कैबिनेट मिशन की योजना। उस समय जो था, मुस्लिम लीग की मांगों का अध्ययन करने पर, जैसे कि हमने पिछले उसमें में बताया था कि मुस्लिम लीग की कुछ मांगे थी जिसको कि एक राजनीतिक रूपरेखा के रूप में ब्रिटिश सरकार 3 सदस्य कैबिनेट मिशन को जो भारत भेजा था, लेकिन ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का जो प्रस्ताव उस समय रखा गया था वहाँ पर भारत को एकीकृत रखने या रहने वाला था या नहीं, इस तरह से केंद्रीय सरकार जो थी वह काफ़ी कमजोर होती चली गई थी। इसके अंतर्गत विदेश, रक्षा और संचार का जो दायित्व था वह भी उसमें शामिल किया गया था। लेकिन इसमें जो कैबिनेट मिशन की योजना जो स्वीकार कर ली गई थी उसमें समझौता देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उसको जो मुस्लिम लीग था उसने और कांग्रेस ने उसको अस्वीकार कर दिया था। फिर उसके बाद देखेंगे सांप्रदायिक दंगे। जो सांप्रदायिक दंगे थे, जब विभाजन हुआ तो उस समय सांप्रदायिक दंगे बहुत तेजी से हुए, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे, जिसमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भाईचारा, नाते, रिश्तेदारी ये सारे ही एक तरह से पूरे समाप्त ही हो गया था। जो पड़ोसी का धर्म था, जो एक रिश्तेदार का धर्म था, एक दोस्त का धर्म था, वह भी सारा चीज़ें खत्म हो गया था। तो इस तरह से प्रत्यक्ष संघर्ष जो उस समय निर्णय जो था वह कर लिया गया था, और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष रूप से एक कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का लीग ने एक ऐलान कर दिया था, जिसमें कि इसी दिन कलकत्ता में भी दंगा भड़क उठा था, और जो बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत ये जो थे यहाँ पर भी भयंकर रूप से ये जो दंगा जो है वह भड़क चुका था, क्योंकि जो भारत में जो रह रहे थे वहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदूवादी राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कारण कि गांधी जी देख तो उससे खुश नहीं थे। पंजाब में एक ऐसी स्थिति आई थी कि वहाँ पर भी एक भी मुसलमान देखने को नहीं मिल रहे थे। जब वहाँ पर बैठक हुई, वहाँ पर जब गांधी जी ने वहाँ पर भाषण को संबोधित करने गए, तो वहाँ जब उन्होंने देखा तो वो बहुत दुखी हुए कि जब चांदनी चौक में जो भाषण हुआ वहाँ पर एक भी मुस्लिम जो था वह एकत्रित नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर देखेंगे कांग्रेसी नेता के जो भारत के सशक्त बनाने की इच्छा थी, जो कांग्रेसी नेता थे वे भलीभांति समझ आने लगा था कि जो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो लीग सरकार है प्रत्येक कार्य में जो गतिरोध उत्पन्न करेगी, मतलब वह देश को विकास करने में हमेशा ही वह में सहयोग नहीं करेगी, साथ ही साथ वह विनाश की ओर और अग्रसर होगा, इस तरह से वह दुर्बल होता जाएगा, यह भी उन्हें मालूम था। और साथ ही साथ इससे यह हुआ कि कांग्रेस ने भी विभाजन को स्वीकार करना ही उपयुक्त समझा, क्योंकि दोनों ही जब मुस्लिम और हिंदू जब दोनों ही एक दूसरे की विरोधी होकर खड़े हो जाएंगे तो देश का विकास करना जो है वह संभव नहीं होगा। फिर माउंटबेटन का प्रभाव, जो माउंटबेटन जो वायसराय आए थे तो कार्यभार संभालते ही कांग्रेस लीग और जो मुस्लिम लीग था, कांग्रेस था, इन दोनों में समझौता होना, उन्होंने देख लिया था कि अब यह संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने विभाजन को ही तैयार करने हेतु समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह फिर भी असफल रहे। उसके बाद फिर गांधी द्वारा जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो प्रयत्न किए गए थे, दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाते थे, लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे, और अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू अथवा मुस्लिम दोनों को ही भी दिलासा देना चाहते थे कि नहीं, ये आपका भी देश है, आप भी यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो सका था। उसके बाद फिर गांधी जी ने जो है 24 दिन का उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते थे, पंजाबी भी आते थे, वे भी उनके साथ उस उपवास में साथ में बैठ जाते थे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे विभाजन के दौरान महिलाओं के अनुभव। विभाजन के दौरान जो है विशेष रूप से महिलाओं ने भुगता, क्योंकि उनके साथ वो बहुत सदमे में थी, उनके साथ अपने अपारिवारिक संबंध जो थे भी, मतलब उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी, उनके साथ बलात्कार किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनका मतलब स्वयं का निर्णय होता था वह बिल्कुल ही नहीं था। इस मामले में महिलाओं ने नए परिवार जो परिवारों के पास था, मतलब जहाँ वे गए वहीं पर एक बार फिर अपनी इच्छा जानने का उनसे मतलब उनकी इच्छा जो जानने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं किया, उनको सिर्फ एक वस्तु की तरह उपयोग किया गया और फेंक दिया गया, मार दिया गया, इस तरह से मतलब उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ था। फिर हम देखेंगे क्षेत्रीय विविधताएं।
विभाजन के दौरान भी व्यापक सांप्रदायिक हिंसा जो थी, क्षेत्रीय जो विविधताएं थी, क्षेत्रीय विविधताएं मतलब हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा देश जो है एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हर भाषा के लोग रहते हैं, हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। इस तरह से यह जो था, जब विभाजन हुआ तो क्षेत्रीय विविधताएं भी उसमें दृष्टिगत थी, जिसमें सर्वाधिक विनाशकारी जो था पंजाब में देखने को मिला था, जो चीज़ हमने आपको बताया, जिसमें कि सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ से लगभग पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ खदेड़ दिया गया था। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंजाब में जो था एक भी मुसलमान जो था पंजाबी मुसलमान वहां पर नहीं था। फिर यहाँ पर देखेंगे बंगाल में पलायन का सिलसिला। जब भारत में विभाजन हुआ तो उसके कारण भी बंगाल में जो था वह भी बंगाली विभाजन की उपजी पीड़ा भी तीखी नहीं थी, किंतु वो भी धीरे धीरे वह कहाँ भारत की ओर पलायन उनका हो रहा था। फिर पूर्वी पाकिस्तानी और बंगाली मुसलमानों ने भी अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का निर्णय उन्होंने भी ले लिया था। जैसे कि पश्चिम बंगाल जो है, मतलब बंगाल का विभाजन जो था, बंगाल जो अलग राष्ट्र बना वो भी इसी का एक निर्णय था। इस तरह से बांग्लादेश जो था वह भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो गई थी, जो 1971 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बाद देखेंगे विभाजन के दौरान जो सहायता के प्रयास, जब विभाजन हुए तो उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे थे मानवता के नाते लोगों की मदद कर रहे थे, वो यह नहीं देख रहे थे कि वह हिंदू है या मुसलमान है या क्या है, वह फिर भी एक दूसरे की मानवता के नाते, या जैसे डॉक्टर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सरदार सुखदेव सिंह, ये डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे जो कि धर्मपुर में तैनात थे, लेकिन असंख्य प्रवासी मुसलमानों सिखों हिंदुओं को आश्रय व सुरक्षा भी इन्होंने प्रदान किया, उनको पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया, उनके चिकित्सा सुविधाएं दी, इस तरह से वे उनकी मदद कर रहे थे। और लोग भी थे इसके साथ साथ, ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे, और लोग भी थे, वे भी मुस्लिम भाइयों को, सिखों भाइयों को, हिंदुओं को, मतलब एक दूसरे को आश्रय भी प्रदान कर रहे थे। फिर मौखिक साक्ष्य और इतिहास, कुछ घटनाएं जो घटती हैं वह हम मौखिक वृत्तांतों से सुनते हैं, जैसे बुजुर्गों के मुख से हम उनके संस्मरण सुनते हैं, कुछ की डायरियां होती हैं जिससे हमको मिलता है संस्मरण, जो लिखित रूप में मिल जाते हैं, लेकिन मौखिक वृत्तांत जो होते हैं, कई बार जो बुजुर्ग होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वे कहानी के तौर पे हमें मौखिक रूप में बताते हैं कि उस समय उन्होंने क्या क्या देखा, कैसा पीड़ा उन्हें सही और किस तरह से वे वहाँ पर उनके विभाजन की पीड़ा थी, वह किस तरह से उसका चुनौतीपूर्ण था और वह किस तरह से उससे बचे। ये सारी जानकारियाँ जो है एक सटीक नहीं मानते हैं लोग, लेकिन कई बार जो अनुभव होते हैं वो हम जब बताते हैं तो वो बातों को हम कहानी के तौर पर उसको सुनते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे कुछ गृहकार हैं आप लोग के लिए। 1940 में ईस्ट इंडिया के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की, भारत विभाजन के लिए उत्तरी कारणों की विवेचना कीजिए, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था, इसकी योजना प्रमुख सिफारिशों पर क्या प्रकाश था वह डालिए, फिर बंटवारे के समय महिलाओं के क्या अनुभव रहे, मौखिक इतिहास के फायदे या नुकसानों की पड़ताल कीजिए, और मौखिक इतिहास की पद्धतियों में विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह से विस्तार मिलता है, यह आप लोग को ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।